क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जबलपुर में फेसबुक फ्रेंड ने किया दुष्कर्म। जबलपुर के माढ़ोताल क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मानस उपाध्याय नामक युवक ने फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शादी का झांसा देते हुए रेप किया। शारीरिक शोषण का शिकार हुई युवती ने जब मानस से शादी की बात की तो उससे इनकार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से व्यथित युवती ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार माढ़ोताल क्षेत्र में रहने वाली युवती की करीब 2 वर्ष पहले मानस उपाध्याय से फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। जब भी मौका मिलता दोनों साथ में घूमने फिरने के लिए जाते रहे। यहां तक कि अगस्त 2018 में मानस कर्मेता में अपने परिचित चिंटू चौबे के नवनिर्मित घर ले गया, जहां पर मानस ने युवती से शादी करने का वादा कर शारीरिक संबंध बना लिया। इसके बाद 3 मई को गढ़ा अपने दोस्त के घर में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे, परंतु बाद में वो अपने वादे से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी मानस उपाध्याय को हिरासत में ले लिया है। 2 दिन पहले एक नवयुवती के द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मानस उपाध्याय ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ में बलात्कार करता रहा। रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट पर मानस उपाध्याय को कल रात में गिरफ्तार किया गया है। मानस उपाध्याय जबलपुर का रिकॉर्डेड अपराधी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली में, कोहलपुर में, विजयनगर में लूट के, मोटरसाइकिल चोरी के मामले पंजीकृत हो चुके हैं। आज इसको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। लगभग कितने समय से ये संबंध बना है? ये लगभग 6 महीने से इसके संपर्क में था। फेसबुक के माध्यम से इसने दोस्ती करी थी और उसके बाद फिर उसको अपने दोस्तों के घर बुलाता रहा है। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।